मध्य प्रदेश सहित सागर जिले में भी बारिश का दौर जारी है और रुक रुक कर बारिश हो रही है। तो वहीं अब बारिश के बीच घरों से सांपों के निकलने की भी खबरें सामने आ रही हैं। जी हां, एक ऐसी तस्वीर मध्य प्रदेश के सागर जिले से सामने आई है जहां एक घर में एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे पूरे 16 सांप निकले हैं, जिसे देखकर लोगों के होश उड़ गए। फर्स्ट किराए शोरूम, यहां आएं और पाएं ऑनलाइन ऑफर्स के साथ बच्चों के दैनिक उपयोग की एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स की संपूर्ण श्रृंखला। हमारा पता है HDFC बैंक के पास, जबलपुर रोड, मकरोनिया। जानकारी कहती है कि सागर जिले के लहदरा नाका क्षेत्र में एक घर में 16 सांप के बच्चे पकड़े गए हैं। एक साथ इतने सांप निकलने पर परिवार के साथ स्थानीय लोग सख्ते में आ गए। परिवार के लोगों ने देखा कि स्नेक कैचर को मौके पर बुलाया गया, जहां स्नेक कैचर बबलू पवार ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और रेस्क्यू के दौरान स्नेक कैचर ने बिल के आसपास खुदाई की और वहां का नज़ारा देखकर सभी के होश उड़ गए। एक नहीं दो नहीं बल्कि कोबरा प्रजाति के सांप के 16 बच्चे मिले हैं। स्नेक कैचर कहते हैं कि लेदरा नाका स्थित राम मंदिर के पास पीतल फैक्ट्री के श्याम सुंदर श्रीनिवास के घर में सांप होने की सूचना पर वह मौके पर पहुंचे। उन्होंने सांप पकड़ने का रेस्क्यू शुरू किया तो सांप के 16 बच्चे मिले और सभी के सभी कोबरा प्रजाति के सांप हैं, जिन्हें जंगल में सुरक्षित छोड़ा गया है। बताया जा रहा है कि कोबरा के फन पर आगे पीछे एक आकृति बनी रहती है, जिस पद्म कहा जाता है, इस कारण लोग इसकी पूजा करते हैं। ये कहाँ से पकड़े भैया आपने? भैया लेदरा नाका पीतल फैक्ट्री से पकड़ी है, राम मंदिर के पास श्रीनिवास के यहाँ से, श्याम सुंदर श्रीनिवास के यहाँ से इस प्रैक्टिकल कोबरा के 16 बच्चे। कौन सी प्रजाति है इस प्रैक्टिकल कोबरा? ठीक। फिलहाल गनीमत यह रही कि समय रहते सांप निकलने के बारे में पता चल गया, नहीं तो यह सांप बड़े होकर पूरे इलाके में दहशत जरूर फैला देते। सूर्य प्रताप सिंह राजपूत के साथ इकराम खान, सागर एक्सप्रेस न्यूज सागर। अब आपके शहर सागर में छत्रपति शिवाजी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, 24 घंटे आपातकालीन सुविधा उपलब्ध, समस्त बीमारियों से संबंधित विशेषज्ञों द्वारा परामर्श एवं ऑपरेशन। तो पता याद रखें, मेडिकल कॉलेज रोड, द्वारका बिहार चौराहा, सागर, मध्य प्रदेश।